हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे गवार फली की ढोकली। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। उसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हींग, एक चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आवश्यकता अनुसार पानी डालकर हम आटा गूंदेंगे। अभी हमारा आटा बनकर रेडी है। उसमें से हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। अब हम उसमें से पूरियां बनाएंगे। अब हम पूरी में एक से दो बूंद जितना तेल डालकर फैला लेंगे और पूरी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से ट्रायंगल शेप में सारी ढोकली हम तैयार कर देंगे। ये रेडी है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम गवार को अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया है। अभी एक बड़ी कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाए तब उसमें दो चम्मच लहसुन डालेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब उसमें एक चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गवार डालेंगे। अब एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सब मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जले ना। अब इसमें और पानी डालेंगे, तकरीबन 500 ml जितना पानी डालेंगे। अब इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए आधी चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसमें एक उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है। एक एक करके हम सारी तैयार की हुई ढोकली डालेंगे। अब इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे। 20 मिनट बाद हमारी ये ढोकली बनकर रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। अब इसे घी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।